इस बार होली का त्यौहार हुआ बेकार। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा किसानों का भुगतान न दिए जाने की वजह से किसानों और व्यापारियों में भारी रोष। श्री अरविंद गिरी विधायक पहुंचे गन्ना मिल। यहाँ का जो बताते हैं 85% हम किसानों को वेन करते हैं, उसको उस पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट। हाँ, अभी आप दिखाओ कल का था वो, ऐसा तो 2-3 दिन लग जाता है। सचिव ने तो नहीं, वो तो सचिव की मीटिंग 8 या 9 करोड़ रुपया, वो तो काफी दिन से चला रहा है वर्जन वाला, तो पेमेंट लगातार होगी तो रहा है, उसमें से तो आता रहता है। डाइवर्जन मतलब भाई आपने पैसा दूसरी जगह कहीं, डाइवर्जन मतलब ये नहीं है आज की डेट में चीनी का पैसा कहीं डाइवर्ट नहीं हो गया। बैंक का मैनेजमेंट है हमारे लिए, बैंक जो है। अरे आप कर रहे हैं आज की तारीख में कितने एक पर्ची का पेमेंट कर रहे हैं? जब पैसे देंगे तो ऐसा है त्योहार पे 2-3 पर्ची का पेमेंट हो जाए एक साथ, जिससे किसानों का त्योहार ठीक से हो जाए। फिर लगभग 1 सप्ताह से इस प्रयास में थे कि चलो एक पर्ची का ही पेमेंट हो, जिससे किसानों को सम्मान के साथ अपना त्योहार मना सके। देख लेंगे, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सब परिस्थिति अपनी, और उसके बाद में कल शाम को जब आज मुझे बैंक बंद है मुझे नहीं पता था, लेकिन आज खुला है मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा कि कल शाम को बैंक बंद हो गया 4 दिन के लिए, अब पेमेंट नहीं हो पाएगा। तब मैंने आपसे बात की तो जवाब नकारात्मक था, तब मैंने अपने संगठन से बात की और जिलाधिकारी महोदय से बात की, उन्होंने कहा था हम प्रयास करते हैं, आप लोगों ने भी उपाल सिंह जी से बात नहीं की, मिश्रा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखेंगे। तो देखते देखते ये हो गया कि किसानों का गन्ना किसानों की होली त्यौहार जो है, दो ही प्रमुख त्यौहार है होली दिवाली ईद, तो वो सब खत्म है। तो मजबूरन हम कोई आंदोलन नहीं है, धरना नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, इस कमरे में हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक होली से पहले ये पेमेंट नहीं कर देंगे। हम कोई जनता को नहीं बुला रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट्री कर्मचारी अधिकारियों के साथ इसी कमरे में बंद रहेंगे जब तक ये पेमेंट नहीं कर देंगे। मोंटी कोई धरना प्रदर्शन बाहर नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई बात नहीं करना, बस इस कमरे को बाहर से बंद कर। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ, देखते रहिए BS Live News।